अच्छा डॉक्टर ने बिस्किट के सारे रिपोर्ट्स निकलवाए, कल तक रिपोर्ट्स आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या हुआ है हमारे बिस्किट को। क्या उसको डिस्टर्ब होगा ना? ये कौन है? ये वो मैंने इंटरनेट पे से ढूंढ रही थी ना, वाटरप्रूफिंग की कंपनी, उसमें से आया है। लेकिन ये दीवार को कान लगा कर क्या कर रहा है और सूं क्या रहा है ये? जंप 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 आपको नहीं बोला था जम जम? ए, हमारे लोग ऊपर छत को एग्जामिन कर रहे हैं, उनको बोला जम जम। मैडम इस टपकते हुए छत का बोझ ये दीवार और संभाल नहीं सकती। लेकिन एक बात है, आपने हमें बुलाकर बहुत समझदारी का काम किया है। आई मस्ट से यू आर वेरी इंटेलिजेंट। वो तो मैं बचपन से ही। और ये कौन है? मैं इस इंटेलिजेंट का हस्बैंड हूँ। अच्छा, मीट माई सेल्फ, आई एम मिस्टर डामरवाला। डामरवाला? क्यों, आखिरकार तूने बुलाया तो डामरवाला ही ना? डामरवाला इज माई सरनेम। तो क्या है, हमारे पुरखे ना ऐसे छत पर डामर लगा के वाटर प्रूफिंग करते थे, लेकिन मैंने कंपनी खोली है ना, वो हम लोग हाईटेक तरीके से ऐसे वाटर प्रूफिंग करते हैं ऐसे। हाँ मैं क्या कहती हूँ, मुझे जरा ये बात समझाइए कि आप ऐसे हाईफाई ऐसे टिप टॉप कपड़े पहन के छत रिपेयर करेंगे हैं? नो ये नहीं, हमारे वर्किंग क्लोथ है ना, वो देखो आगे, राजू संजू। जी सर। देखिए ये हमारा वर्किंग यूनिफॉर्म। सर मैंने छत पे जाके सब कुछ चेक कर लिया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो इन्हें इनके कपड़े भी दे दीजिए। है हमारे छत पे सूख रहे कपड़े आप ले आए? नो 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 मैडम, आपके सूखे हुए कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक मिनट, अरे इनको यूनिफॉर्म दे दीजिए। हाँ, दे दो। क्या क्या? भाई साहब काम आपको करना है तो ये कपड़े हम क्यों पहने? अरे सर ऐसी बात नहीं है, क्या अभी हम काम शुरू करेंगे तो ऊपर से कुछ ना कुछ टपकेगा गिरेगा, फिर आपके अच्छे कपड़े खराब हो जाएंगे, उससे अच्छा ये यूनिफॉर्म पहनेंगे तो यू नो सिंपल साइड। देखा, इसे कहते हैं प्रोफेशनल लोग। इसमें पिंक कलर है क्या? हाँ पिंक। ये उर्मिली, हमें फैशन परेड नहीं करनी है। अच्छा ठीक है ना, मैंने तो जस्ट ऐसे ही अभी। ठीक है ना, आप इतना उकोलिए मत। मैं क्या कहती हूँ, आप हो सके उतना जल्दी काम खत्म कर दीजिए ना, क्या है शादी का घर है, थोड़ा समझो ना भाई है। अरे मैडम जितने जल्दी आप ये कपड़े बदल लेंगे उतना जल्दी हम अपना काम शुरू करेंगे। So, let's start the mission. छत अब टपकना मत। Come on guys, let's move. लगता है उस डामर वाला एंड कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। ना ना अबे, मैं अभी ऊपर जाकर आई हूँ। वो लोग ठोक ठोक के पंक्चर ढूंढ रहे हैं छत का। पंक्चर नहीं रे, लीकेज। हाय सेम टू सेम अवे। हाँ भले, इधर मेरे मगज में पंक्चर हो गया है ये सोच सोच कर कि वो अन्ना भाई शादी के डेट का ही नवरात्रि में ना निकाले। अरे ऐसे कैसे निकालेंगे, हमसे पूछेंगे तो सही ना? पूछेंगे और वो भी अन्ना। क्यों क्यों याद नहीं है सगाई के वक्त केटरर कैसे हमसे बिना पूछे नौकी कर लिया था? भगवान से भी नहीं पूछा होगा नीचे आने से पहले, भाई मैं नीचे जाऊं कि नहीं जाऊं। मैं कह देती हूँ मेरी दीकरी की छेल्ली नवरात्रि है इस घर में, अखा पुणे में घूम घूम के गरबा खेलना है मुझे, और अगर वो अन्ना भाई ने नवरात्रि में शादी की डेट निकाली ना तो मेरे अरमानों का तो अम्बे मत की जय हो जाएगा। अरे घर पे कोई है क्या महेंद्र? अरे अरे बाप, ये क्या सबको बेच भी दिया, सगाई का खर्चा निकल निकल। पाकरवड़ी का धंधा बंद बिंद करके आप लोग सर्कस बिरकस में भर्ती हो गए कि क्या? नहीं नहीं, सर्कस में तो हमारी बेटी भर्ती होने वाली है, द ग्रेट गोखले सर्कस। कुछ बोला क्या आपने? हाँ तो, अरे वो आपके हाथ में पूरे घर का कंट्रोल रहता है ना, आप कैसे रिंग मास्टर की तरह सबको अपने इशारों पर नचाते हैं, है कि नहीं? बोलो हाँ ऐसा बोलकर, इसलिए आपको रिंग मास्टर बोली मैं। अच्छा अच्छा, चुप रहे मैं। अन्ना भाई अच्छा हुआ आप लोग आ गए, वरना हम लोग आने वाले थे आपके घर। अच्छा आइए आइए बैठिए। बाल्टी पे रहने दीजिए, हम लोग खड़े अच्छे।
आप लोग हमारे यहाँ क्यों आने वाले थे? ले शादी की तारीख तय करने। अच्छा आप लोगों में इन कपड़ों में जाते हैं शादी की तारीख तय करने? रिवाज है प्रभाकर दादा। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। ए प्रभाकर पंकज बंद करो तुम लोगों का। देखो हम लोग भी शादी की तारीख तय करने के लिए ही आए हैं। अच्छा अभी कुछ महीनों में तो श्राद्ध है और नवरात्रि में। जो नवरात्रि नवरात्रि मैंने बोला था ना आपको नवरात्रि में ही शादी की तारीख निकालेंगे। अरे उर्मिला बहन पहले पूरा सुन तो लो। हाँ नवरात्रि में गणपति में ऐसे त्योहार के दिनों में हम शादी नहीं रखेंगे ऐसा बोलने जा रहा था मैं। सांभळो हाँ तो ठीक। अभी देखो श्राद्ध की पहले की चार तारीख निकाली है मैंने तो आप लोग बता दो कौन सी तारीख पसंद है तो फिर फाइनल कर लेंगे। ये ठीक है। हाँ डन मिल गई तारीख हमको 24 अगस्त फाइनल। फाइनल आपका फाइनल तो हमारा भी फाइनल। लो सरस गणपति बाप्पा बोलंबे मातनी। प्रभाकर सर्कस मजेदार होता है क्योंकि उसमें होती है उठापटक। अच्छा समंदर खारा होता है क्योंकि उसमें होता है नमक। पता है तो समंदर सर्कस एक हुए बबूल बरगद एक हुए। वाह 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 प्रभाकर वाह क्या बात है। इसमें आपको बात नजर आई तो फिर एक काम करता हूँ इसे इधर ही छोड़ के जाता हूँ। आप दोनों बातें करना और बात में से कुछ बात निकल आए तो फिर मुझे भी बताना कि इसमें क्या बात नजर आई। गाढ़वा मैंने जब ही प्रभाकर ऐसा बोला तो ये मिठाई देने के लिए बोल रहा था शगुन का श्रीफल देने के लिए बोल रहा था मैं। तो अभी ये श्रीफल चढ़ा के हम लोग शादी की तारीख तय करेंगे। अच्छा ना भाई ये श्रीफल चढ़ाना कहाँ है? आपको पता है अन्ना भाई मेरे महेंद्र तैसे सर पे मार के श्रीफल वधेरते। अच्छा अरे फिर तो आज हो जाए कपड़े भी उपयुक्त पहने हैं सर्कस वाले। नहीं नहीं ये उर्मिला तो कुछ भी बोलती। वो तो है क्या कुछ भी और नहीं तो क्या। आपने ही तो बोला था मुझे कि आपने ना जाने कितने ही नारियल ऐसे सर पे मार के तोड़े हैं। हाँ हाँ वो तो कॉलेज के टाइम पे जब मैं जूडो कराटे सीखता था ना तब। अभी कहाँ उर्मिला तू। अरे अरे फोड़िए फोड़िए सर पे फोड़िए। नहीं नहीं अरे चलो तो फिर मैं फोड़ता हूँ। आप अरे बाप रे। अरे वाह अन्ना आपने तो भूचाल ला दिया। भूचाल भूचाल कुछ नहीं लाया है आपके अन्ना ने। हमारे ऊपर की टाकी फट गई है ना पानी की तो लीकेज शुरू हो गया है उसका काम काज चालू है ऊपर। हाँ और इसीलिए तो फैंसी ड्रेस पहन के बैठे हैं। अरे तो मुझे बताना चाहिए था ना मैं अपना वो दत्तू डाम्बर वाला है ना उसको बुला लेता वो फटाफट छत पे डाम्बर बिम्बर लगा लेता काम हो जाता आपका। ओ अन्ना भाई आपका देसी डाम्बर वाला आपको मुबारक। हमने तो ऐसा हाई फाई कॉन्ट्रैक्टर बुलाए। कैसा हाई फाई? अरे पहले तो वो डेटा कलेक्ट करेगा फिर उसे एनालाइज करेगा फिर उसे स्क्रूटिनाइज करेगा फिर उसे क्रिटिसाइज करेगा फिर उसे स्पेशलाइज करेगा और जब वो रियलाइज करेगा कि कितना टाइम लगने वाला है तब जाके वो डेट फाइनलाइज करेगा। अच्छा हम लोग के यहाँ तो सिर्फ रिपेयर करता है।